जो दो स्क्वाडन है तेजस मार्क वन की इन्हें मार्क वन ए स्टैंडर्ड का जो अपग्रेड है वो प्रदान किया जाएगा जिसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स होंगे और सिस्टम्स को भी अपग्रेड किया जाना है और यहाँ पर आपको ये भी जानना होगा कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑलरेडी तिहत्तर की संख्या में तेजस मार्क वन ए और 10 की संख्या में ट्रेनर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस किया गया है यानी टोटल तिरासी एयरक्राफ्ट का ऑर्डर 2021 में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा प्लेस किया गया था जो कि फरवरी 2024 से मिलने शुरू हो जाएंगे अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जो ये अपग्रेड है ये कब तक कंप्लीट होगा तो आपको हम बताना चाहेंगे रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं कि भले ही इसकी पुष्टि अभी कर दी गई हो लेकिन ये अपग्रेड 2025 के पहले शुरू नहीं हो पाएंगे और ये तब तक नहीं शुरू हो पाएंगे जब तक तेजस मार्क वन की जो प्रोडक्शन लाइन है ये फुल स्केल पे नहीं शुरू हो जाती है फुल स्विंग प्रोडक्शन नहीं शुरू हो जाता है क्योंकि जिस समय फुल स्विंग प्रोडक्शन शुरू होगा उसी समय जो कॉम्पोनेट्स हैं सब सिस्टम्स हैं वो ईज़िली अवेलेबल होंगे और उनसे आसानी से अपग्रेड किया जा सकेगा हमारी अगली बड़ी अपडेट इंडियन नेवी को लेकर के आ रही है दोस्तों हम सबको पता है कि इंडियन नेवी के द्वारा इस समय कुछ बड़े प्रोक्योरमेंट किए गए हैं जो कि उनकी कैपेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा एनहैंस कर रहे हैं और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की जो रिपोर्ट सामने आई है जो कि हर साल के एंड में वो पब्लिश करते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि इंडियन नेवी के द्वारा बड़ी संख्या में जो नीच टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इंडक्ट किया गया है जिसमें लोटरिंग मिनिशंस का नाम भी सामने आया है लैंड और सी बेस दोनों प्रकार के जो लोटरिंग म्यूनिशंस हैं वो इंडक्ट किए गए हैं जो कि उनके टारगेटिंग कैपेबिलिटीज को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेंगे आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि जो लोटरिंग म्यूनिशंस इंडियन नेवी के द्वारा इंडक्ट किए गए हैं ये लोकली डेवलप्ड हैं या फिर इनको इम्पोर्ट किया गया है बहुत जल्दी इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राप्त हो जाएगी लेकिन आज के समय में नेवल वॉरफेयर में भी हमको इसका बड़ा इस्तेमाल देखने को मिला खासकर रशिया का जो नेवल लोटरिंग म्यूनिशन है इसने कई यूक्रेनियन जो गन बोट्स हैं इनको अपना निशाना बनाया है और इंडियन नेवी माना जाता है कि इसी से प्रभावित होकर के और भी बड़ी संख्या में जो ऑर्डर है इन लोटरिंग म्यूनिशंस का आने वाले निकट भविष्य में प्लेस कर सकती है हमारी अगली बड़ी अपडेट डसाल्ट एविएशन से आ रही है एक मीडिया रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि डसाल्ट और रिलायंस एरोस्पेस का जो प्लांट है नागपुर में यहाँ पर बनाए गए जो पांच पार्ट्स हैं उनका इस्तेमाल राफेल जेट में किया जा रहा है सिर्फ भारतीय राफेल जेट में नहीं बल्कि जितने भी राफेल एयरक्राफ्ट का इस समय प्रोडक्शन किया जा रहा है फ्रांस में उनमें इन पाँच पार्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है हालांकि ये पार्ट्स कौन कौन से हैं इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है लेकिन फ्रांस का एक हाई लेवल का डेलीगेशन हाल ही में वहाँ एक दौरे पर गया था जब उनसे प्रश्न पूछा गया कि आने वाले समय में जो डसाइल टेविएशन का फ्यूचर प्लान है वो किस ओर इशारा कर रहा है तो इस पर जवाब देते उन्होंने कहा कि ऑलरेडी यहाँ पर बनाए जा रहे पाँच पार्ट्स का इस्तेमाल जो हमारे राफ़ेल एयरक्राफ्ट हैं इनके मैनुफैक्चरिंग में किया गया है और आने वाले समय में किया जाता रहेगा न सिर्फ भारत के राफेल जेट में बल्कि दूसरे जो राफेल एयरक्राफ्ट हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल किया गया है गौर करने वाली बात यह है कि उनसे और भी कई प्रश्न पूछे गए हैं भारत में अपनी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने की कैपेबिलिटी को इन्हांस करने की तो उन्होंने अभी उस पर कोई जवाब नहीं दिया है हालांकि माना जा रहा है कि अगर भारत के द्वारा राफेल की डील साइन करी जाती है तो भारत में ही उनमें से जो अधिकतर राफेल एयरक्राफ्ट हैं उनकी मैनुफैक्चरिंग करी जाएगी वर्ष 2019 में डिफेंस एक्शन काउंसिल के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज की खरीद को मंजूरी दी जाती है जो कि सुपरसोनिक ब्रह्मोज सरफेस टू तो सरफेस क्रूज मिसाइल से फिट की जानी थी और उन्हें कोस्ट के आसपास डिप्लॉय भी किया जाना था और अभी जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ईयर इन रिव्यू रिपोर्ट आई है तो उसमें एक कैनिस्ट्राइज मिसाइल सिस्टम के इंडक्ट किए जाने की बात की जा रही है जिसको लेकर के माना जा रहा है कि वो नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरीज ही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होंगी अगर उन्हें इंडक्ट किया गया है ये काफ़ी एजाइल हैं और इन्हें मूव करना भी काफ़ी आसान है और सबसे ख़ास बात यह है कि इनके आने के बाद जो कोस्टल सिक्योरिटी है वो और भी ज़्यादा पक्की हो जाती है कैस्ट्राइज मिसाइल सिस्टम को ना सिर्फ कोस्टल कोस्ट के आसपास डिप्लॉय किया जा सकता है बल्कि जो अन आर्म्ड ऑक्जली सपोर्ट शिप्स हैं उनमें भी इनको माउंट किया जा सकता है और जो सिविलियन रजिस्टर्ड ऑयल टैंकरस हैं या कार्गो शिप्स हैं उनमें भी जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है प्रोवाइड करने के लिए इन्हें माउंट किया जा सकता है और अब माना जा रहा है कि इस समय इंडिया अपने जितने भी कोस्ट लाइन है उसको पूरी तरीके से सील करना चाहता है और इस प्रकार के जो एडवांस वेपन है ये और भी बड़ी संख्या में वहाँ पर डिप्लॉय किए जाएंगे हमारी अगली बड़ी अपडेट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के एक ऐसे बयान को लेकर के आई है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सैटरडे को एक तरफ इंडियन आर्मी की जो गलवान और तवांग में इंसिडेंट हुए हैं वहां को लेकर के काफ़ी तारीफ करी है और भारतीय सेना को ये कहा है कि भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है और दुश्मन की अगर बुरी नजर होती है तो उसका मुंहतोड़ भी जवाब भारतीय सेना के द्वारा दिया जाएगा वहीं फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पंचानवे एनुअल कन्वेंशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि फ़िलहाल भारत का ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि वो किसी दूसरे देश की ज़मीन को कैप्चर करे या किसी दूसरे देश पर अटैक करे और भा किसी दूसरे देश को भारत से डरने की भी जरूरत नहीं है लेकिन अगर कोई देश भारत के ऊपर बुरी नज़र रखता है और भारत के जो आंतरिक मामले हैं उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है अपने बुरे मनसूबों को अंजाम देने की कोशिश करता है तो उसे परिणाम के लिए भी तैयार रहना होगा इंडिया इस समय सुपर पावर बनने की जो एम है उसको लेकर के आगे बढ़ रहा है और दुनिया का भला हो इसमें भी भारत अपनी एक अहम भूमिका अदा करना चाहता है भारत का जो प्राथमिक लक्ष्य है वो शांति और समृद्धि है लेकिन अगर कोई भी बुरी नज़र भारत के ऊपर डालेगा तो उसके परिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे हमारी अगली बड़ी अपडेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सी जनरल अरुण चौहान सर के एक बयान को लेकर के आई है जो कि उन्होंने उत्तराखंड को लेकर के दिया है उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे अनऑकुपाइड स्पेसेस हैं जिनको रीपोपूलेट करने की ज़रूरत है और अगर हम वहाँ पर जो आबादी है उसको नहीं बसा सकते तो फिर ऐसे स्थानों को जो टूरिस्ट हब हैं वो बना देने चाहिए उन्होंने कहा कि इस समय सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि उत्तराखंड में बहुत सारी बड़ी जगहें ऐसी पड़ी हैं जो कि अनपॉपुलेटेड हैं और वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और कई जगह तो ऐसी हैं जो कि लास्ट विलेज से भी काफ़ी दूर हैं और वो अनऑक्युपाइड हैं और हमें अब ये चाहिए कि या तो हम पॉपुलेशन को वहाँ ले जाएं या फिर उन जगहों को एक टूरिस्ट प्लेस बना दें ताकि वहाँ पर लोगों का जो आवाजाही है वो बनी रहे उन्होंने ये भी कहा कि इंडो टिपेटन बॉर्डर फोर्स जो है या आईटीबीपी जो है उन्होंने पूरे उत्तराखंड की छः अलग अलग वैलीज़ में अपनी एक यूनिट को डिप्लॉय करके रखा है जिसका काम होता है किसी भी डिज़ास्टर या इमरजेंसी की सिचुएशन में पहले रिस्पॉन्ड करना और उनका यह बयान काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि उनका बयान एक ऐसे समय पर आया है जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे भारत के साथ ऑलरेडी चीन का विवाद चल रहा है हमारे एक बड़ी अपडेट इंडियन एयरफोर्स को सभी 36 राफेल एयरक्राफ्ट मिल चुके हैं और अब इंडियन एयरफोर्स की नज़र जो मेगा प्रोक्योरमेंट है एक सौ चौदह फाइटर एयरक्राफ्ट का उस पर टिक चुका है जिसको लेकर के रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि 2023 के अंत तक जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो देखने को मिल सकता है यानी जो डील है वो दो तक साइन होती दिखाई पड़ेगी और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले पाँच से छः वर्षों के बाद ही जो पहला एयरक्राफ्ट है एम के अंतर्गत वो दिखाई पड़ेगा अगर सब कुछ सामान्य रहा तो वहीं इस मामले के जानकार लोग ये भी कहते हैं कि शायद भारतीय वायुसेना इकट्ठा एक सौ चौदह फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस ना करे बल्कि अलग अलग फेजेज़ में जो ख़रीद है वो की जा सके क्योंकि आपको हम बताना चाहेंगे कि पूर्व के जो वायुसेना प्रमुख थे उन्होंने एक बार एडिशनल दो स्क्ॉडन खरीदने की बात कही थी लेकिन बाद में वो जो डिस्कशन था वो ख़त्म कर दिया गया और अब माना जा रहा है कि शायद जो अलग अलग फेजेज़ में एयरक्राफ्ट की खरीद है वो हमको देखने को मिल सकती है क्या अब इस पर क्या होता है ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा फिलहाल आपने वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।